इंडिया होममेड में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो फुल क्रीम मिल्क लिया है और एक कटोरी चीनी ली है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल हम खीर, बर्फी, मिठाई या केक बनाने में करते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखा है और अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। अब मैं इसमें एक कटोरी चीनी डाल रही हूँ। तो दूध और चीनी का मेजरमेंट आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि अगर आप एक ग्लास दूध ले रहे हो तो आप उसमें आधा ग्लास चीनी ले सकते हो। तो मैं आप चाहे तो इसे धीमी आंच पे पका सकते हो। मैं इसे हाई से मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा जल्दी पक जाएगा। आप चाहे तो इसे मीडियम फ्लेम पे भी पका सकते हो और बीच बीच में इसे दूध और चीनी को इसी तरह से चलाते रहें ताकि ये कढ़ाई के तले में चिपके ना। तो मैं इसे हाई से मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। तो हमें दूध और चीनी को तब तक पकाना है जब तक ये पककर आधा ना हो जाए और दूध और चीनी हमारा दिखने में गाढ़ा ना हो जाए। तो आप इसी तरह से इसे पका लीजिए। बीच बीच में इसे इसी तरह से चलाते रहिए। तो लगभग आप देख रहे हैं कि हमारा दूध अच्छी तरह से पककर आधा हो गया है। तो आप इसे इस स्टेज पे बहुत ही ज्यादा मत पकाइएगा क्योंकि ये पकने के बाद जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये और भी गाढ़ा होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा दूध और चीनी कुछ इस तरह से पककर हो गया है। तो मैं गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो ये हमारा पककर अच्छे से पक के आधा हो गया है दूध और चीनी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और भी गाढ़ा होता जाएगा। तो इसे इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो हमारे यहाँ पे कंडेंस मिल्क तैयार है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये और भी गाढ़ा होता जाएगा। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसे पकाइएगा इसे इतना ज्यादा गाढ़ा नहीं कर देना है। बहुत ज्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा। जब भी आप इसे चमचे से ऐसे गिराओ तो ये एक धार में गाढ़े रूप में नीचे गिरना चाहिए। तो हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।